राइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। राइजन हॉस्पिटल, जल विहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ खोमन साहू। विश्वविद्यालय विधेयक संशोधन पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसे अलोकतांत्रिक बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके पर दबाव बनाने की प्रदेश सरकार की कोशिशों को घोर असंसदीय और असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार में न तो राजनीतिक समझ बूझ है, न ही प्रशासनिक क्षमता दिख रही है और अब वह राज्यपाल पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाकर एक बार फिर संघीय ढांचे व संवैधानिक प्रक्रिया का खुला अपमान पर उतारू हो गई है। आगे और क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। उनकी लोकतंत्र में गहरी अनास्था का परिचायक तो है ही है। अब राज्यपाल के अधिकार छीनने की कोशिश उनके घोर अलोकतांत्रिक आचरण का प्रदर्शन है। इस संवैधानिक ढांचे को निश्चित रूप से एक प्रक्रिया है। प्रदेश सरकार राज्यपाल को संविधान प्रदत्त अधिकार छीनने पर आमदा होकर उस संवैधानिक ढांचे व प्रक्रिया को अवरुद्ध करने का अलोकतांत्रिक और असंधि कार्य कर रही है। यह इस प्रकार प्रदेश में एक गलत परंपरा का मिसाल होगा। प्रदेश सरकार उन अधिकारों को क्यों हड़पना चाहती है जो प्रदेश सरकार के नहीं हैं, और असंवैधानिक और संवैधानिक प्रमुख होने के नाते दूसरों को भी कुछ अधिकार संविधान दे रखे है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री बघेल तो कांग्रेस के राजनीतिक चरित्र की पहचान ही, जिसकी ना तो संविधान में आस्था नजर आती, न लोकतंत्र और सत्ता का विकेंद्रीकरण उनको रास आता। संसदीय ढांचे का सम्मान करना उनके स्वभाव में नहीं दिखता और प्रतिशोध की राजनीति जिसका प्री शगल है। मुझे लगता है कि बदला तबादला और नाम के बदलाव, इस प्रकार की राजनीति को उनका चरित्र बना हुआ है। कदम कदम पर सरकार ने इसका प्रदर्शन किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के दिन उनके नाम पर चल रही पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के सारी योजनाओं को गांधी परिवार के नाम करके मुख्यमंत्री बघेल ने चाटुकारिता की सारी हद लांघ कर अपनी उस तानाशाही प्रवृत्ति का संकेत भी दिया है, जिसका विस्तार आज सटअप विपक्ष और आधारविहीन चांसलर के रूप में प्रदेश देख रहा है। मुख्यमंत्री की वन मैन शो की प्रवृत्ति और राज्यपाल का अधिकार छीनना लोकतंत्र और संविधान में अनास्था का प्रतीक है। तानाशाही प्रवृत्ति के बल पर मुख्यमंत्री बघेल सटअप विपक्ष और अधिकार विहीन चांसलर चाहते हैं। विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रदेश की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके पर दबाव बनाने की प्रदेश सरकार की कोशिश यह घोर अलोकतांत्रिक, असंसदीय और असंवैधानिक है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार में न तो राजनीतिक समझबूझ है, न प्रशासनिक क्षमता दिख रही है। अब राज्यपाल पर हस्ताक्षर के लिए दबाव बनाकर एक बार फिर संघीय ढांचे पर संवैधानिक प्रक्रिया का खुलेआम अपमान पर उतारी हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब तक अपने कार्यकाल में न केवल संघीय ढांचे की अवहेलना प्रायः नाजुक मौके पर उन्होंने किया है, बल्कि अपनी सरकार की सारी शक्तियां खुद पर केंद्रित करने मुख्यमंत्री जिस प्रकार वन मैन शो चला रहे हैं और चलाना चाहते हैं,